नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का शाम 4:30 बजे उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 9 लाख से पार, एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड 19 नमूनों की जांच। फ्रांस से रवाना हुए पहले 5 रफाल जेट विमान बुधवार को भारत पहुंचेंगे। सरकार ने देश में 47 चीनी क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगाया। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्यों में जुटे। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड जांच केंद्रों का आज शाम 4:30 बजे उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान तथा उपचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलरा और आंध्र रोग संस्थान में स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन केंद्रों में प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाई है। इन तीनों केंद्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से बनाया गया है और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। कोरोना महामारी के बाद इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी और सी, तपेदिक, डेंगू के अलावा दूसरी जटिल बीमारियों की भी जाँच हो सकेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड 19 जांच सुविधा की शुरुआत करेंगे। इसका लाभ मुंबई को भी मिलेगा। मुंबई में ये सुविधा केंद्र भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ने रणनीतिक तौर पर बनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे जांच क्षमता में प्रतिदिन 1,000 की वृद्धि होगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 31,991 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,17,568 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 49,931 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 14,35,453 हो गई है। इनमें से 4,85,114 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 708 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 32,771 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर दिल्ली में सबसे अधिक 87.95% है। इसके बाद लद्दाख, हरियाणा, तेलंगाना और असम का स्थान है जहां स्वस्थ होने की दर 74% से अधिक है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 63.92% से अधिक है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का स्थान है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। देश में इस समय कोविड रोगियों में से 68.83% महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं। भारत ने एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,15,472 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक देशभर में 1,68,06,803 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ICMR देश में जांच सुविधा बढ़ाने की निरंतर मंजूरी दे रहा है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने थोड़े समय के भीतर ही कोविड 19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सघन परीक्षण, पता लगाने और उपचार की रणनीति अपनाई है। इस साल जनवरी में भारत में कोविड 19 के परीक्षण के लिए केवल एक प्रयोगशाला थी। अब देश भर में कोरोना वायरस के नमूनों के परीक्षण के लिए 1300 से अधिक सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। ICMR नई प्रयोगशालाओं, RT-PCR किटों, ट्रूनेट टेस्ट, सीवीनेट टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट किटों को मंजूरी देकर अपनी परीक्षण क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों को सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का एक प्रभावी तंत्र विकसित किया गया है। देश भर में लगभग 15,000 समर्पित कोविड अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों को उपचार मुहैया करा रहे हैं। इन अस्पतालों और केंद्रों में लगभग 46,000 ICU बेड की क्षमता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में लगभग 22,000 वेंटिलेटर हैं। बीते कुछ महीनों में ही भारत ने PPE किट और N95 मास्क के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने कहा है कि दिल्ली में अस्पतालों में कोविड 19 मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के ट्वीट में आज बताया गया कि दिल्ली के 3 अस्पतालों और एम्स में कोविड 19 के लिए बिस्तर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग चिकित्सा कॉलेज अस्पताल में कुल 529 बिस्तरों में से 404 बिस्तर उपलब्ध हैं। दिल्ली के एम्स में 1,515 बिस्तरों में से 1,283 उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप और योजनाओं के कारण दिल्ली में कोविड 19 की स्थिति में काफी सुधार आया है। पिछले महीने जब कोरोना वायरस के कारण राजधानी में हालात खराब हो रहे थे, ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रभावी योजनाएं तैयार की और सरकारी एजेंसियों को शहर में जांच और उपचार की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया। कुछ ही दिनों के भीतर दुनिया के सबसे बड़े कोविड देखभाल केंद्रों में से एक सरदार पटेल कोविड केंद्र दक्षिण दिल्ली में स्थापित किया गया। यहां 10,000 रोगियों के बिस्तर की व्यवस्था है। एक महीने के अंदर जांच में भी 3 गुना वृद्धि की गई और अब तक दिल्ली में लगभग 9,50,000 कोरोना वायरस नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के सामूहिक प्रयासों से राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों के ठीक होने की दर अब लगभग 88% हो चुकी है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजस्थान सरकार ने कोविड 19 के गंभीर रोगियों को जीवन रक्षक इंजेक्शन टोसिली जुम्बाव और प्लाज्मा थेरेपी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना उपचार में प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने और पूरे राज्य में प्लाज्मा दान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता। राज्य में आज सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से ऊपर पहुंच गई है। पिछले 3 दिन से रोज 1100 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है। संक्रमण के चलते अब तक 631 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रदेश में आज सुबह 448 संक्रमितों का पता चला है। वहीं 631 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों कामगारों में अब तक संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद वहां चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त टीमें लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और भरतपुर जिलों में भी लगातार संक्रमित लोगों का पता चल रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने जांच का दायरा भी तेजी से बढ़ाया है और प्रतिदिन करीब 25,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक कुल 11 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात में कोविड 19 महामारी के शुरुआत से ही अहमदाबाद जिला अस्पताल में 1,200 विशेष बेड बनाए गए हैं, जिससे सैकड़ों मरीजों का इलाज हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड के लिए समर्पित इस अस्पताल में पर्पल ब्रिगेड टीम की 21 नर्सें संक्रमण को रोकने के लिए निरंतर काम कर रही हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने 1200 बेड के समर्पित कोविड 19 अस्पताल में एक मरीज से दूसरे में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 21 नर्सों की पर्पल ब्रिगेड टीम बनाई है। ये नर्स कोविड 19 समर्पित अस्पताल में 2400 घंटे संक्रमण नियंत्रण इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। कोविड समर्पित अस्पताल के रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय कापड़िया ने कहा कि ये नर्स 3 शिफ्टों के दौरान मरीजों के भर्ती होने से डिस्चार्ज होने तक उनकी सही देखभाल कर रही है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और नियंत्रित करने
करने के लिए यह पर्पल ब्रिगेड द्वारा रोजाना उनकी चादरें बदलना, बायोमेडिकल कचरे का सही तरीके से निकाल करना और सभी रोगियों को पौष्टिक भोजन देने का काम किया जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ के अधीक्षक बीके प्रजापति ने कहा कि यह पर्पल ब्रिगेड सामान्य और आईसीयू वार्ड में सर्वेलेंस और निगरानी का काम भी करती है। इन सभी प्रयासों के चलते रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी करने में भी मदद मिली है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक सरकार कोविड 19 की जांच में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रही है। अब तक 96,141 संक्रमित मामलों की जांच की गई है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ के सुधाकर ने एक ट्वीट में कहा कि 58 मेडिकल कॉलेजों में कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता प्रतिदिन 25,000 नमूनों की जांच करने की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला निगरानी अधिकारी ने आईसीएमआर पोर्टल पर प्रतिदिन जांच की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोविड टेस्ट पर कोविड वॉर रूम नजर रख रहा है। कंटेनमेंट जोन्स पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में टेस्ट करने पर तालीम दी जा रही है। बूथ स्तर के टास्क फोर्स ने एनजीओस और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से कोविड परीक्षा की आवश्यकता होने वाले मोहल्लों का पता लगाया जा रहा है। बेंगलुरु में ही 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में मृत्यु प्रमाण 2% है, जिसे कम करने के प्रयत्न जारी हैं। पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 15.3% पहुंच गया है। बेंगलुरु नगर, ग्रामीण, दक्षिण कन्नड़ा, बल्लारी, मैसूरु, धारवाड़, कलबुर्गी और बेलगावी में सबसे ज्यादा कोविड प्रकरण दाखिल हुए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तेलंगाना में कोविड 19 संक्रमण के 1,593 नए मामले आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 55,000 के पास पहुंच गई है। राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार 998 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में सबसे अधिक मामले आए हैं। हालांकि अन्य जिलों और ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार इस समय जिला अस्पतालों में जांच की संख्या और जांच क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। तेलंगाना में राजधानी हैदराबाद और इसके नगर निगम क्षेत्र में कोविड मामलों की संख्या अधिकतम है। इसके साथ ही इनसे जुड़े रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी जिलों में भी बड़ी तादाद में इस वायरस के संक्रमण के फैलने की खबर है। राज्य का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग 320 केंद्रों पर कोविड 19 के लिए रैपिड एंटीजन जांच कर रहा है। इस बीच हैदराबाद के मेयर बोंतू राम मोहन कोविड 19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे देखते हुए उनके स्टाफ के सभी कर्मचारियों और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को कोविड लक्षणों के प्रति सचेत रहने को कहा गया है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं तन्वी तनेजा। मेघालय में कोविड 19 के 19 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 721 हो गई है, जिसमें 543 लोगों का इलाज चल रहा है, 5 लोगों की मौत हो गई है और 173 स्वस्थ हो चुके हैं। नागालैंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 45 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पांग्यू फोम ने एक ट्वीट में कहा है कि 335 नमूनों की जांच में से 23 कोहिमा से, 14 दीमापुर से और 8 मोन जिले से संक्रमित पाए गए। त्रिपुरा में कोविड 19 से कल 2 लोगों की मौत के साथ ही वहां इस वायरस से मरने वालों की संख्या 100 कृपया से फिर से सुन ले त्रिपुरा में कोविड 19 से कल 2 लोगों की मौत के साथ ही वहां इस वायरस से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। राज्य में अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,883 है। इनमें से 2,336 लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय राज्य में 1,517 सक्रिय मामले हैं। सिक्किम सरकार ने कोरोना से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 1 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। सिक्किम में 21 जुलाई से लागू लॉकडाउन आज सुबह समाप्त होने वाला था। कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए सिक्किम सरकार ने पूर्णबंदी को बढ़ा दिया है। राज्य में खासकर पूर्वी और दक्षिण जिलों में कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। राज्य में रविवार को कोविड 19 महामारी से पहली मौत हुई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 45 नए मामले सामने आने के बाद सिक्किम में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 397 हो गई है, जबकि संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 545 हो गए हैं। 148 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। दक्षिण सिक्किम में 31 नए मामले सामने आए हैं, जबकि
पूर्वी सिक्किम में 14 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। गंगटोक से पारिजात शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड 19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोविड 19 की रोकथाम के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई रखने की सलाह दी है। रेगुलर हैंड वॉशिंग शुड बी डन, सो दोज हू इन एन एरिया वेयर देयर इज कोरोना वायरस इन्फेक्शन शुड वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली। यू शुड अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस बिकॉज़ इफ समवन इन द क्राउड इज कॉफिंग एंड हैज द इन्फेक्शन ही कैन स्प्रेड टू अदर्स इन द क्राउडेड प्लेसेस एंड इफ एनी मेंबर इन योर फैमिली हैज फीवर कॉफ कोल्ड ही शुड स्टे एट होम एंड अवॉइड गोइंग आउट सो दैट ही डजंट स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर पीपल इन द कम्युनिटी। एम्स में ही पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ अनंत मोहन ने लोगों को बिना चिकित्सकों की सलाह के हाइड्रोक्लोरोक्वीन या एंटी मलेरिया जैसी दवाइयों का उपयोग न करने की सलाह दी है। प्लीज डू नॉट टेक मेडिसिन सच एज एजिथ्रोमाइसिन, अदर एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और अदर एंटी मलेरियल विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बाय अ डॉक्टर। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लड़ाकू विमान रफाल के पहले बेड़े ने आज फ्रांस से उड़ान भरी। इसमें 5 विमान हैं जो बुधवार को भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान ये 5 विमान कुछ समय तक संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस के वायुसेना के अड्डे पर रुकेंगे और हवा में ही इनमें ईंधन भरा जाएगा। इन विमानों को फ्रांस की कंपनी दसाल्ट ने बनाया है। विमानों ने आज फ्रांस के बॉर्ड्यूक से उड़ान भरी। 10 विमानों की डिलीवरी निर्धारित अवधि के अनुसार हो रही है। 5 विमान प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे। भारत 59,000 करोड़ रुपए के 2016 के सौदे के तहत 36 रफाल विमान खरीद रहा है। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत ये सभी 36 विमान 2021 के आखिर तक सौंपे जाने हैं। पहला रफाल विमान अक्टूबर 2019 में भारत को सौंपा गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 6 मई से अब तक विदेशों में फंसे 8,14,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2,70,000 भारतीय 53 देशों से विमानों से लौटे हैं। श्री पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का शाम 4:30 बजे उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 9 लाख पार। एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड 19 नमूनों की जांच। फ्रांस से रवाना हुए पहले 5 रफाल जेट विमान बुधवार को भारत पहुंचेंगे। सरकार ने देश में 47 चीनी क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगाया। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्यों में जुटे। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। भारत और इंडोनेशिया ने आज रक्षा और परस्पर सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भारत यात्रा पर आए इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल प्रबोवो सुबियांतो ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार ने चीन की 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की निजता के मद्देनजर चीन की 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये 47 ऐप असल में पहले प्रतिबंधित ऐप के क्लोन्स हैं। सरकार ने पिछले महीने ही टिकटॉक और हेलो सहित ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते सुधारने और चीन के साथ निकटता बढ़ाने के दावों का खंडन किया है।
रविवार को बांग्लादेश में एक टीवी चैनल पर चर्चा में विदेश मंत्री डॉ एके अब्दुल मोमिन ने पाकिस्तान से कहा कि अगर वो दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे मुक्ति संग्राम से पहले के दौर में पूर्वी पाकिस्तान में किए गए नरसंहार की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। उन्होंने कहा कि 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति से पहले किया गया नरसंहार अब भी देश के लिए पीड़ादायक स्मृति है। भारत के साथ निकट संबंधों का उल्लेख करते हुए डॉ मोमिन ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मीडिया में लगाए जा रहे कयासों को विराम देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मोमिन ने इस बात से पूरी तरह से इनकार किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब आ रहा है। डॉक्टर मोमिन ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि आजादी के पहले बांग्लादेश में हुए लाखों लोगों के नरसंहार में उसका हाथ था। विदेश मंत्री मोमिन ने कहा कि बांग्लादेश सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रहे हैं और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जबकि चीन उसका विकास में साझेदार नया सहयोगी है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक परिदृश्य में मौजूदा परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था को दिशा मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि देश में हो रहे 5 प्रमुख बदलावों को ठोस रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आने वाले दिनों में यह एक शांत क्रांति का रूप लेगा। श्री दास ने कृषि क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, वैश्विक मूल्य श्रृंखला तथा बुनियादी ढांचे को ऐसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया जो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि देश में औषध पार्क और मेडिकल डिवाइसेज पार्क की स्थापना से भारत फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। श्री गौड़ा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस पहल से आयात पर देश की निर्भरता उल्लेखनीय रूप से कम होगी। उन्होंने कहा कि औषध और मेडिकल डिवाइसेज पार्क का चयन सहकारी संघवाद पर आधारित होगा। श्री गौड़ा ने कहा कि वे देश को फार्मा सेक्टर में अग्रणी बनाना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ को बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नया आदेश पारित किया और वे कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। याचिका वापस लेते हुए श्री सिब्बल ने पीठ से कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले मंगलवार को पारित उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी, इसलिए यह याचिका निष्फल हो गई है। उच्चतम न्यायालय की पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र से मेडिकल की सीटों के केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए समिति बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश एपी साही के नेतृत्व में उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि उन संस्थानों में सीटों के अखिल भारतीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने पर कोई कानूनी या संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है जिन्हें केंद्र संचालित नहीं करता है। न्यायालय ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव को भी इस समिति में शामिल करने को कहा है। पाकिस्तान की सेना ने आज एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंज जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के निकट बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने करीब 10:30 बजे गोलीबारी और गोलाबारी शुरू की। उन्होंने कहा कि सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में आज नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर इलाके में माओवादी हमले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल का एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम गश्ती पर थी। केडेमेटा पुलिस कैंप के नजदीक माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और प्रभावित जिलों की संख्या 25 से घटकर 22 रह गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य में 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए माजुली सहित ऊपरी असम जिलों के 4 दिनों के दौरे पर हैं। श्री सोनोवाल बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत के उपाय तेज किए जा रहे हैं। चावल, दाल, सरसों का तेल, नमक और पीने का पानी नियमित रूप से दिया जा रहा है। 46,000 लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिविर में रह रहे लोगों को असम सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं दी जा रही है। चिकित्सा दल राहत शिविरों के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा राहत शिविरों में रह रहे छात्रों को ऑनलाइन कक्षा का उपयोग करने पर भी जोर दिया जा है। प्रदेश के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने आश्वासन दिया, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए धन राशि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, राहत शिविरों में लोगों को उचित देखभाल मिल रही है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण और दरभंगा में तटबंध दून टूटने से स्थिति और गंभीर हो गई है। पूर्वी चंपारण जिले में तेतुरिया प्रखंड में लहलादपुर के नजदीक गंडक नदी का तटबंध टूटने से नए इलाकों में पानी घुस गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दरभंगा जिले में केवटी प्रखंड में डुमरी गुठली तटबंध टूट जाने से कमला बलान का पानी नए इलाकों में घुस गया है। बाढ़ प्रभावित 11 जिलों के 625 पंचायत के विभिन्न गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। दरभंगा से समस्तीपुर और जयनगर जाने वाली सड़कों पर पानी आ जाने के कारण वाहनों का परिचालन बाधित है। सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में कई जगह सड़कें टूट गई हैं। रेल पटरी पर पानी आ जाने के कारण मुजफ्फरपुर नरकटियागंज और समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेनों का परिचालन आज चौथे दिन भी स्थगित है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुँचा रहा है। NDRF की 25 टीमें बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में जुटी हुई है। 1.5 लाख से अधिक लोगों को अब तक निचले इलाकों से निकाला जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। चेन्नई में तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आंधी और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बारिश होने या आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा लेकिन शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। लद्दाख में भी आसमान साफ रहने लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल छाने का अनुमान है। तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चंडीगढ़ में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अहमदाबाद में सामान्य रूप से बादल घिरे रहने और हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि डॉ कलाम एक विशिष्ट वैज्ञानिक होने के साथ ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में डॉ कलाम के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें प्रखर बुद्धि, विवेक और सादगी की प्रतिमूर्ति बताया। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉ कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। मिसाइल मैन के रूप में लोकप्रिय डॉ कलाम का शिलंग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज 82वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कहा कि सीआरपीएफ राष्ट्र की सुरक्षा में अग्रणी रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का शाम 4:30 बजे उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 9 लाख से पार, एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड 19 नमूनों की जांच। फ्रांस से रवाना हुए पहले 5 रफाल जेट विमान बुधवार को भारत पहुंचेंगे। सरकार ने देश में 47 चीनी क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगाया। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्यों में जुटे। और राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक।